हमारे जीवन भर की कमाई ले गए हो, अब मारा क्यों भोगे गो? हीरे कितने थे? 4000। 4 छोड़ गए हो। अच्छा योगेश जी, एक बात बताइए कि हीरों की कीमत क्या होगी? जी, 50 करोड़। 30 लाख गल्ले से भी ले गए हो। का शरीर तो पूरी तरह जल गया है। चलो अंदर। इन सबकी मौत एक ही तरीके से हुई। ऐसा लगता है बिजली का जोर का झटका लगा। झटका तो मारे को लग रहे हो साहब, कंगाल कर दे हो। तुम और कंगाल। इंश्योरेंस कितने का करवाया था? मारे ऊपर शक कर रहे हो साहब? शक करने के लिए पगार देती है सरकार हमें। अभी भी गर्म है साहब। हाँ साहब। क्या हुआ? ये देखिए सर, इसमें से 2 मेन वायर निकली हुई है। तो सर ये वायर सिर्फ 440 वोल्ट सप्लाई करता है, और जिस हिसाब से यहाँ पर लाशें जली हुई हैं उस हिसाब से लगता है यहाँ हाई वोल्टेज इस्तेमाल किया गया। यार साफ साफ बताना क्या कहना चाहता है। सर ये दोनों वायर किसने निकाले हैं? और इसमें हाई वोल्टेज सप्लाई किया गया। तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा वोल्टेज इस्तेमाल हुआ है इसमें। एक हज़ार वोल्ट से भी ज़्यादा। केडी, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है पूरे 987 दिन के बाद। बिली मुझे तो लगता था कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ अच्छा काम करता हूँ, लेकिन ये इतने दिन बाद कौन सा अच्छा काम किया? आप उनको भी जानने का। 987 दिन के बाद तुमने पहली बार छुट्टी ली है, थैंक गॉड। क्या बात कर रहे बिली मैडम, सच्ची? चलिए जब छुट्टी ले ही ली है तो अपने डायरी को भी छुट्टी दे दो। और भाई जवान जी बता,
कैसा लग रहा है तुझे फ्राइड राइस? और मजा आ गया, क्या रबजी जगह लाइन है बॉस, एकदम सॉलिड, एकदम एंजॉय हो रहा है। लेकिन पता नहीं बिल्ली मैडम, आज ना आपको किसी को मिस कर रहे। अच्छा, इसको सुनैना को? नहीं 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 नहीं, अपुन सुनैना को काय को मिस करेगा, काय को मिस करेगा? अपुन सुनैना को बिल्कुल मिस नहीं करता। मतलब अपुन तो कहता है मिन्नी मैडम अच्छा है, वो सुनैना नहीं आए, आती ना तो क्या करती, कचर कचर पकड़ पकड़ पकड़, अब ये खाना ये वो खाना। बट फिर भी ऐसे ही अपुन जस्ट जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा है, सुनैना काय को नहीं आई? तुम दोनों भी ना साथ रहते हो तो झगड़ा करते हो, और साथ नहीं रहते हो तो तुम उसको मिस करते हो ना। मुझे लग रहा है कि तू उसको इतना मिस कर रहा है कि सुनैना बहुत जल्दी मिस से मिसेज बनने वाली है। क्या बात? केडी, सुनैना क्यों नहीं आई हमारे साथ? अब सुनैना इसलिए नहीं आई कि बिल आ गया। देखो, थैंक यू बेटा। क्या हो गया भाई, एसिडिटी? अपुन को करंट लगा। करंट? एडी, करंट? अरे दवे, तू यहाँ क्या कर रहा है? आए, केस के बारे में किसी से पूछताछ करने आया, तुम्हें देखा तो रुक गया। अच्छा, तेरे चेहरे पर टेंशन लग रहा है, टेंस क्यों है? हीरों की चोरियों को लेकर परेशान हूँ यार। अपराधी कौन है कुछ पता चला? अभी तो कुछ पता नहीं चला है। सभी लोगों को 1200 वोल्ट का झटका देकर मार देता है, पता नहीं इतना करंट कहाँ से लेकर आता है। 1200 वोल्ट का करंट यार, के तो यही है ना, तुम लोग पुलिस वाले काम करते रहते हो, टीवी नहीं देख पाते। अरे खाने की फुर्सत नहीं यार, टीवी कहाँ से देखो? टीवी में वो एक शो आता है, रियलिटी शो यार, जिसमें एक व्यक्ति है, वो उसके शरीर में से ही 1200 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है, चलता फिरता जनरेटर है। इंसान के अंदर 1200 वोल्ट का करंट? हाँ, मंगा उसके टेप्स, मंगा देख। चल मैं जरा बिल्ली को आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा हूँ, कोई मदद चाहिए होगी तो फोन करना। इसका नाम है भारत के अजूबे। अब मैं आप सबको एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जो सही मायने में इलेक्ट्रिफाइंग है। यकीन नहीं आ रहा ना आपको, तो अपनी आंखों से देख लीजिए। मिस्टर कपिल स्वामी, कुड यू प्लीज कम हियर। नमस्ते, मेरा नाम कपिल स्वामी है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारे शो में आपका स्वागत है कपिल जी। अभी अभी कुणाल ने हमसे कहा कि आप वाकई में इलेक्ट्रिफाइंग हैं। ऐसा क्यों कहा उसने, और ऐसा क्या अजूबा दिखाना चाहते हैं आप? प्लीज आप हम सबको दिखाइए। बिल्कुल, देखा आपने, मिस्टर इलेक्ट्रिफाइंग कपिल। तो आप लोग टोस्ट खाना चाहेंगे? बिल्कुल। ये कैसे कर रहा है यार, एक इंसान के अंदर इतना इलेक्ट्रिक करंट कैसे हो सकता है? आप सब लोग यही सोच रहे होंगे ना कि अगर कपिल जी के शरीर में इतनी इलेक्ट्रिसिटी है तो फिर वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ना छूकर नेकेड इलेक्ट्रिक वायर को क्यों छू रहे? अगर इन्होंने डायरेक्टली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को छू लिया तो ये अप्लायंसेस जल जाएंगी। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कपिल जी की ऊर्जा शक्ति को कम करती है और 440 वोल्ट पे ले आती है, जो इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए काफी है। तो दोस्तों, क्या आप कपिल जी की असली ताकत को देखना चाहेंगे? ये लीजिए कपिल जी। कहते हैं अजूबा, 1225 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, कपिल के अंदर 100 नहीं, 200 नहीं, पूरे 1225 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट है, जिससे बड़ी सी फैक्ट्री की सारी मशीन चल सकती है। और अगर गलती से भी इन्होंने किसी इंसान को छू लिया तो बिजली के झटके से मर भी सकता है। ये क्या कर दिया तूने तबे?
मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन कपिल ने जो किया वो मजाक नहीं, एक संगीन जुर्म है केडी। कोई सबूत है तेरे पास? बिना सबूत के मैं किसी को गिरफ्तार नहीं करता हूँ केडी। मुलजिम कहाँ है? सर एक्यूज बहुत ही खतरनाक है, इसलिए उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया है। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? उसे पहले से कटघरे में लाकर खड़ा क्यों नहीं किया? सर उसका यहाँ आना आम जनता के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसे पुलिस की निगरानी में रखा गया है। आप कहें तो उसे ले आता हूँ। इजाजत है। मानवीय तरीका है किसी को कैद करने का। आप जानते हैं ना कि अदालत में किसी भी मुलजिम को हथकड़ी पहनाकर कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता है, और आप इसे इस तरह ले आए। सर ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, अगर ये किसी को छू ले तो मर जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं साफ साफ कहिए। सर इसके हाथ और पांव बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव पोल की तरह, जिनमें से हाई वोल्टेज करंट निकलता है, 1200 वोल्ट से भी ज्यादा। क्या ये बात सच है? जी हाँ। आपके बचाव में ये केस कौन लड़ेगा? योर ऑनर, मैं लड़ रहा हूं ये केस। देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। केडी, तुमने तो मुझे इस कातिल के बारे में बताया था। टीवी में वो एक शो आता है, रियलिटी शो यार, इसमें एक व्यक्ति है, वो उसके शरीर में से ही 1200 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है, चलता फिरता जनरेटर है। कातिल नहीं है ये। ऑल द बेस्ट। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जनाब आली, कपिल स्वामी पे ये इल्जाम है कि इन्होंने इस शहर के 3 डायमंड फैक्ट्री में मुलाजिमों का कत्ल किया और करोड़ों रुपए के हीरे और नकद लेकर फरार। ये है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिससे ये आया होता है कि मरने वालों को 1200 वोल्ट का झटका दिया गया। जैसा कि अभी अभी इंस्पेक्टर दवे ने बताया कि इनके जिस्म से 1200 वोल्ट का करंट निकलता है। मैं अपनी इस दलील को पुख्ता करने के लिए एक गवाह को यहां बुलाना चाहता हूं, दिवाकर जी। इजाजत है। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना तारुफ अदालत को दें। जैसा, मेरा नाम दिवाकर बैनर्जी है, मैंने जेनेटिक साइंस में पीएचडी की है और एक्सेल रिसर्च लेबोरेटरी में बतौर रिसर्च कंसल्टेंट काम करता हूं। जेनेटिक म्यूटेशन पे मेरी 2 किताबें भी छपी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर साहब। आपने भारत के अजूबे एक शो था जिसमें आप जज बने थे। जी। तो ऐसा क्या था उस शो में? इस शो में हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनके अंदर असामान्य शक्ति हो, जो कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हो, इसीलिए जैसा वो शो का नाम भी था भारत के अजूबे। तो ये कपिल स्वामी साहब ने भी हिस्सा लिया? जी हाँ, लेना ही चाहिए था।
क्योंकि वो सही मायने में भारत का अजूबा है। भारत का नाम वो देश और दुनिया में रोशन कर सकते हैं। जी फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो इन्होंने भारत के नक्शे पे एक बहुत बड़ा धब्बा लगा रखा। आप बता सकते हैं ऐसी क्या खासियत थी इनके अंदर? जैसा इनके शरीर में 1200 वोल्ट से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर का करंट है। ऐसा कोई और शख्स भी है जो 1200 वोल्ट का करंट निकला हो जिसके जिस्म से या उससे ज्यादा? ये ना ही मैंने कभी देखा और ना ही कभी सुना। वैसे पाठक, आप गवाह से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? जी नहीं योर ऑनर, जिस बात की जानकारी पूरे जग को हो उस बात को दोहरा कर मैं अदालत का कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात है जिसका आपको भी पता नहीं है हुजूर, जहां ये वारदात हुई उस कारखाने में 440 वोल्ट का मीटर लगा हुआ था। और झटका 1200 वोल्ट। 440 वोल्ट का मीटर लगा हुआ है, इसका ये अर्थ नहीं होता कि उससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती। ये काम जनरेटर द्वारा भी हो सकता है। अच्छा पाठक का पॉइंट वैलिड है, जनरेटर भी तो लाया जा सकता है। जनाबे अली, मैं चाहूंगा इस बात को पुख्ता इंस्पेक्टर दबी करें तो बेहतर होगा। अनुमति है। सर जनरेटर की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। छोटे से छोटा जनरेटर भी इतने साइज का होता है। मैंने मौका वारदात की जांच की और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसे 1200 वोल्ट का झटका देकर मारा गया। अगर उन्हें जनरेटर लेकर वहाँ गया होता तो उसे सिक्योरिटी गार्ड से नजरें चुराकर मीटर बॉक्स तक जाना पड़ता और मीटर के साथ उसे कनेक्ट करना पड़ता। इतने बड़े जनरेटर के साथ गार्ड को चकमा देकर भीतर घुसना नामुमकिन। इसका मतलब मौका वारदात पर कातिल खाली हाथ गया मिला। जनरेटर वहां पहुंचा कपिल स्वामी की शक्ल में। योर ऑनर, मैं अभियोग पक्ष से पूछना चाहूंगा कि इनके पास क्या प्रमाण है कि मेरे मुवक्किल घटनास्थल पर उपस्थित थे? मेरे पास गवाह है। जी मैं हैप्पी स्टे होटल का मैनेजर हूँ। कपिल स्वामी हमारे ही होटल में रुके थे, कमरा नंबर 302 में, वो भी पिछले एक महीने से। पिछले एक महीने से रुके थे तो बिल भी बहुत बड़ा हुआ होगा। फिर ये पेमेंट कैसे करते थे? वो हर हफ्ते रोकड़ा देकर हिसाब चुका देते थे। ये वही नोट है जो आपने मुझे दिए थे? जी सर। जनाबे आली, ये वो नोट है जो कपिल ने उमंग जी को दिया होटल का बिल चुकाने के लिए। और ये उन नोटों की सीरियल नंबर की लिस्ट है जो योगेश के कारखाने से चोरी हुए, उन्होंने उसी दिन बैंक से निकाले। अब गौर करने वाली बात ये है जनाबे आली कि ये नोटों के सीरियल नंबर और इसमें लिखे सीरियल नंबर दोनों मैच हो रहे। ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस प्लीज। अच्छा ये नोट आपके पास कहां से आए? मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ पार्सल मिलता था। उसमें सिर्फ लिखा होता था कि टाइम क्या है और जगह क्या है जहां मुझे पहुंचना होता था। उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। बड़ी अजीब बात है कि एक अजनबी शख्स आपको एक पार्सल भेजता है पैसों का और वो आपसे कहता है कि फला फला दिन फला फला जगह पर पहुंच जाना और वहां पहुंचने के बाद आपसे कुछ नहीं करवाता। अजीब बात है ना? नहीं, सिर्फ जगह और समय लिखा होता था। जब भी मैं वहां पहुंचा तो मुझे वहां कोई नहीं मिला। अच्छा एक बात बताइए, वो जगह कौन सी थी? मुझे याद नहीं, मैं होटल की टैक्सी में जाता था। वो टैक्सी वाला तो सबको जानता होगा। मैं हैप्पी स्टे होटल का प्राइवेट टैक्सी चलाता हूँ, पर कपिल जी को मैं एक बार नहीं 3 बार इन्हें अपनी टैक्सी से कई अलग अलग जगहों पर ले गया। वो बताएंगे कि वो जगह कौन सी थी? एक मिनट। 3 तारीख को टिकारी रोड। सोलह तारीख को मोमिन चौक। 23 तारीख को रेवाड़ी रोड।
सब कुछ आप इस डायरी में लिखते हैं? जी साहब, क्योंकि हर महीने की आखिरी तारीख को मैनेजर साहब को हिसाब देना पड़ता है। तो फिर तो आप इसमें वक्त भी लिखते होंगे? जी साहब, एक मिनट। रात को 11:11 और 15 सेकंड के आसपास। जनाब आली, ये वही जगह है जहाँ पर कत्ल हुए, चोरियाँ हुई और वक्त भी वही, रात 11:30। हाँ तो वहाँ पहुँचने के बाद क्या होता था? मुझे वहाँ रुकने को बोलकर कपिल साहब कहीं चले जाते थे और 45-50 मिनट के बाद वो आते थे और फिर मैं उन्हें लेकर होटल वापस आता था। जनाबे आली, इस बात से साफ जाहिर होता है कि कपिल ने टैक्सी करके उन जगहों पर पहुंचा, वहां मासूमों का कत्ल किया, चोरी की और वहां से भाग गया। और अब हम लोगों को एक झूठी कहानी सुनाकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश तो आप कर रहे हैं सिद्दीकी साहब, एक निर्दोष को हत्यारा प्रमाणित कर, और ऐसा मैं आपको करने दी। भाई ये बताओ कि जब कपिल तुम्हारी टैक्सी में लौट कर आए थे तो उनके हाथों में कोई बैग या कोई थैली ऐसा कुछ था उनके हाथों में? जी नहीं साहब, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता था। वो खाली हाथ लौटे थे, और अगर चोरी इन्होंने की होती तो स्पष्ट है कि चोरी का सामान ये अपने साथ लेकर आते, लेकिन इनके हाथ खाली थे, जिसका ये अर्थ होता है कि चोरी इन्होंने नहीं की। रहा प्रश्न उन नकद रुपयों का जो इन्होंने अपने होटल मैनेजर उमंग को दिए थे बिल के भुगतान के लिए, ये प्रश्न मैं उमंग जी को बुलाकर करना चाहूंगा। उमंग जी, जब जब कपिल ने आपको वो नकद रुपए दिए बिल के भुगतान के लिए, आपने उन्हें उन रुपयों के लिए पावती भी दी 4, 15, 24 जी। कपिल, तुम्हें वो जो नकद रुपयों का पार्सल था किन तारीख पर मिले थे तुम्हें? साहब तारीख तो मुझे याद नहीं है, पर जब भी मुझे वो पार्सल मिलता था मैं तुरंत नीचे जाकर किराए का भुगतान कर देता। उसी दिन पर उसी तारीख पर ये बिल का भुगतान करते थे और ओनर जिस तारीख पर इन्हें वो नकद रुपयों का पार्सल मिला था, और ये तीनों दिन योर ऑनर वही दिन है जहां पर कारखाने में चोरी हुई थी, हत्या हुई थी। मिस्टर पाठक, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ योर ऑनर कि हत्यारा कपिल नहीं कोई और है, कोई और है जो हत्या करता था, चोरी करता था और फिर चोरी के रुपए कपिल को भेजता था, साथ में चिट्ठी भेजता था इसे अगले वारदात के स्थान पर बुलाने के। योर ऑनर, 3 बार यह घटना घटी और चौथी बार भी ऐसा ही होने वाला था, किंतु कपिल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके कारण योर ऑनर संभव है कि असल हत्यारा ने अपनी ये योजना रद्द कर दी हो। ओहो, तो आपके मुताबिक कोई और है जो इस कपिल को फंसाना चाहता है, लेकिन ये नामुमकिन है योर ऑनर, क्योंकि 1200 वोल्ट का झटका देने की कुव्वत सिर्फ इस कपिल में है और किसी में नहीं। कपिल के पार्सल वाली बात कतई छूटी है मिलो। योर ऑनर, कोई मिला नहीं इसका ये अर्थ नहीं होता कि कोई है ही नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई और है, और जब तक वो व्यक्ति नहीं मिल जाता जिसने कपिल को नकद रुपयों का पार्सल भेजा था, इस केस पर किसी परिणाम तक पहुंचना उचित नहीं होगा। यार, उस व्यक्ति को खोजने के लिए मैं अदालत से समय की मांग करता हूं। यह अदालत इस महीने की 14 तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। The court is adjourned. इस व्यक्ति ने पार्सल भेजा था तुम्हें, जानते हो तुम उसे? नहीं साहब, तंग आ गया था अपनी गरीबी से, जैसे ही फोन आया पैसा कमाने की लालच में गांव छोड़कर शहर आ गया। फोन आया था तुम्हें? किसका फोन है? नंबर याद नहीं। अच्छा, एक मिनट। श्रवण, नंबर क्या है तुम्हारा? लिखा। कितने दिन पहले फोन आया? 40-45 दिन पहले। पिछले 40-45 दिन पहले इस नंबर पे जो जो भी फोन आया था मुझे बता। तो यहाँ मुंबई में कैसे जानते हो तुम? मुंबई में मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है। हाँ, ये भारत के अजूबे में हिस्सा लेने के बाद काफी लोगों से मुलाकात हो गई। किस किस से? शो के ऑर्गेनाइजर और
काफी लोगों से भेंट हुई लेकिन अब सभी के नाम और शक्ल याद नहीं है। हाँ, कुछ अखबार वाले भी मिले थे पर वो हमें ज्यादा पसंद नहीं आए। क्यों, ऐसी क्या बात थी उनमें? वो साहब हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम सर्कस के जानवर हो। और बताओ, कोई ऐसा विशेष व्यक्ति जिसके साथ तुम्हारी भेंट हुई हो? वो एक लेबोरेटरी वाले थे और हाँ, एक हवाई जहाज वाली मैडम। हवाई जहाज वाली मैडम कौन? जो उस शो की जज भी बनी थी, माया मैम था, जिन्होंने हमें अपने घर पर खाने के लिए बुलाया था। बहुत बड़ा दिल है उनका, उन्होंने हमारी माँ के लिए और हमारी पत्नी के लिए तोहफे भी दिए थे। बहुत अच्छी हैं बेचारी। अच्छी है तो बेचारी क्यों कह रहे हैं? हमने सुना है उनके पति का कारोबार कुछ सही नहीं चल रहा, तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाए। बहुत ही भले मनुष्य हो तुम कपिल। क्या फायदा साहब, बचपन से हमारा कोई दोस्त नहीं हुआ, सब राक्षस कहकर बुलाते थे हमेशा। बड़ा होने के बाद भी कुछ बदला नहीं है, हमारी ये शक्ति हमारे लिए अभिशाप बन गई। तो देखिए किस मुसीबत में आकर खड़े हो गए हैं। हाँ कपिल अब्बा, परिस्थिति तो कठिन है लेकिन आग्रह करूंगा तुमसे कि हिम्मत बांधे रखो। मैं हूं तुम्हारे साथ, इतना विश्वास दिलाता हूं तुम्हें कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। बस एक आप ही का सहारा है साहब। एक बात बताओ कपिल, इस शक्ति के साथ तुम साधारण सा जीवन कैसे जीते हो, तुम्हारी पत्नी माता जी? साहब घर पर तो हम रबर की जुराबें हाथों और पैरों में पहन लेते हैं पर यहाँ पर ये लकड़े के तख्ते और ये जंजीरें साहब बहुत बुरी तरह जकड़ रखा है हमें, बहुत तकलीफ में है। हम किसी पर हमला नहीं करेंगे साहब, हमारी विनती आपसे, हमें इन तख्तों से आजादी दिलवा दीजिए साहब। हम किसी पर हमला नहीं करेंगे साहब, बहुत तकलीफ में है हम किसी पर हमला नहीं करेंगे साहब, हमारी विनती आपसे, हमें इन तख्तों से आजादी दिलवा दीजिए साहब। हम किसी पर हमला नहीं करेंगे साहब। तुम चिंता मत करो कपिल, कल मैं अदालत में न्यायाधीश महोदय से निवेदन करूंगा कि तुम्हें इन जंजीरों से मुक्त कर दे। तुम कह रहे थे कि प्रयोगशाला वालों ने तुमसे संपर्क किया था, किस विषय में, क्या क्या काम था उन्हें तुम्हारे साथ? एक्सेल लेबोरेटरी वाले मुकेश जी हैं साइंटिस्ट। अमेजिंग कपिल, अमेजिंग, वाकई में कमाल का पावर है तुम्हें। नो डाउट तुम दुनिया के 8वें अजूबे हो। वैसे ये इलेक्ट्रिक पावर आता कहाँ से है तुम्हें? कहाँ से आता है तो पता नहीं सर, लेकिन बचपन से ही ये शक्ति है मेरे अंदर। That's great, that's great. मेरा ये कार्ड रखो और वो हमें अपने साथ अपनी लेबोरेटरी भी ले गए। जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ तो विद्युत पर्याप्तता पर संशोधन किया जाता है, तुम पर किस प्रकार का प्रयोग किया था उन्होंने? वो करीबन 8 महीने पहले की बात है ये। कपिल रेडी ना। मुकेश ये क्या कर रहे हो यार, इतना हाई वोल्टेज करंट से तो ये आदमी मर जाएगा। कोई भी बिजली का पावर इसे नहीं मार सकता, मुझे तो यकीन है कि ये ट्रांसफॉर्मर के पावर को भी धकेल देगा। कपिल आर यू रेडी? हाँ जी। हियर वी गो, 1, 2, 3। Fantabulous! Can't believe it. It's fantabulous. Completely unbelievable. Sambhav. कैसे हो सकता है कपिल, तुम आदमी हो या बिजली के खंभे हैं? बिजली का खंभा नहीं, ये तो चलता फिरता जनरेटर है, इसके जरिए हम हमारे बहुत सारे काम निकाल सकते हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता।
फिर उन्होंने कई रिसर्च की। और मैं जब वहां से जाने वाला था तभी मुझे किसी ने मारा। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बस स्टॉप के बाहर पड़ा हुआ था और 4 दिन बीत चुके थे। उन 4 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ ये जो कुछ पता नहीं है। नहीं, वो पता लगा लेंगे। एक मिनट। हाँ श्रवण बोल। अच्छा भाई एकदम अपन भूल गया। हाँ अपन बॉस ये कह रहे था अपन को जो बोला था ना सब चेक किया बॉस। टोटल 3 फोन आए थे एकदम। पहला फोन आया था वो टीवी चैनल। दूसरा फोन आया था वो उधर थे। डॉक्टर लोग होते हैं वो सफेद कुर्ता पहन के वो माथा पोड़ी करते रहते हैं उधर वो सब। अरे चाचा लोग सब एक साथ होते हैं बॉस। क्या कहते हैं उसे वो धुआं निकलता रंग बिरंगा वो। हाँ वो एक्सेल लेबोरेटरी। लेबोरेटरी एक्सेल लेबोरेटरी। हाँ दूसरा फोन आया था एक्सेल लेबोरेटरी। तीसरा माया बजाज का। बस अपन को ऐसा खबर मिले ला है आपका ये जो कपिल भाई है ना योर ऑनर मैं आज की सुनवाई आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि मेरे मुवक्किल कपिल को उनकी बेड़ियों से मुक्त किया जाए। नहीं नहीं दूर ऐसा कुछ मत कीजिएगा। ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर इसको खोल दिया और इसने किसी को छू लिया तो यहाँ तो लाशों के ढेर लग जाएंगे। योर ऑनर कपिल बचपन से अपने परिवार समेत समाज में रहा है और आज तक इसके कारण किसी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहाँ शहर में तो हुआ है। शहर में जो हुआ वो कपिल के कारण हुआ ये अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। योर ऑनर मैं अनुरोध करता हूँ आपसे कि कपिल को उसकी बेड़ियों से मुक्त किया जाए और मैं विश्वास दिलाता हूँ अदालत को कि इसके कारण किसी को नुकसान नहीं होगा और अगर हुआ तो आप जो चाहे दंड सुना सकते हैं। कपिल जी की बेड़ियां खोल दी जाए। धन्यवाद योर ऑनर। थैंक यू सर। योर ऑनर अब मैं एक्सेल लेबोरेटरीज के वरिष्ठ वैज्ञानिक मुकेश जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। मुकेश जी आपकी प्रयोगशाला में विद्युत की उत्पन्नता पर संशोधन किया जाता है सही है ये? जी हाँ। और ऐसा ही कोई संशोधन आपने कपिल पर भी किया था ये जानने के लिए कि इनके शरीर में विद्युत किस प्रकार से उत्पन्न होता है। हाँ सर मिस्टर पाठक ये हम सब जानते हैं कि मुकेश जी ने कपिल को रिसर्च के लिए बुलाया था। इसे आप साबित क्या करना चाहते हैं? योर ऑनर मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मुकेश जी ने कपिल पर प्रयोग किया ये जानने के लिए कि इनके शरीर में विद्युत की उत्पन्नता किस प्रकार से होती है। इसका रहस्य जानने के बाद इन्होंने
कपिल के अंदर जो विद्युत की शक्ति है उसकी प्रतिकृति बनाई, यानी कि उसे रेप्लिकेट किया। तत्पश्चात इन्होंने वही शक्ति को अपने शरीर के अंदर बांध लिया और फिर हीरो की चोरियां की और हत्याएं भी इन्हीं ने। ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। सर सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आई एम स्टिल स्टंड कि कपिल के अंदर ये अद्भुत ताकत आई कहां से, और ना ही मैंने कपिल की कोई पावर को रिप्लिकेट किया है। नहीं मतलब ये जानने का प्रयास तो किया था आपने सर, प्रयास किया था आपने, तो संभव है कि आपको रहस्य पता चल गया हो, आपने लोगों को बताया ना हो और फिर शक्ति को अपने अंदर डाल के आपने ये कांड किया हो। माफी चाहूंगा हुजूर, जनाब पाठक साहब मुकेश जी पर बिना वजह इल्जाम लगा रहा। कारण है यार, और कारण ये है कि कपिल जिस होटल में रहता था उस होटल में एक्सेल लेबोरेटरी से एक महीने के भीतर 30 बार फोन किए गए थे और एक भी बार उस व्यक्ति ने कपिल से वार्तालाप नहीं की। जिसका अर्थ ये होता है यार कि फोन किए जाते थे केवल इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब एक्सेल लेबोरेटरीज में मुकेश जी के अतिरिक्त कोई और ऐसा नहीं था जिसे कपिल की इस अंदरूनी शक्ति में रुचि हो। आप क्या बात कर रहे हैं, हमारी लेबोरेटरी से कोई क्यों फोन करेगा? मैंने फोन कॉल नहीं किए हैं, और अगर किसी ने किए हैं तो मुझे नहीं मालूम। एक्सेल लैब में 200 से ज्यादा आदमी काम करते हैं, कोई भी हो सकता है पाठक साहब। हो सकता है कपिल ने ही वहाँ पर फोन किया हो, ये भी तो वहाँ आते जाते थे, सारा इल्जाम किसी और पर डालने के लिए। सिद्दीकी साहब, आप केवल बहस करने के लिए बहस कर रहे हैं, ठोस बात नहीं कह रहे। हाँ कपिल साहब में ये क्षमता है, ये असामान्य शक्ति है कि ये अपने अंदर 1200 वोल्ट का विद्युत बिजली पैदा कर सके, लेकिन इनमें ये क्षमता नहीं है कि एक ही समय पर दो अलग अलग स्थान पर उपस्थित रह सके। जब भी होटल में फोन आया ये अपने होटल में थे, तो अगर ये होटल में थे तो फिर ये वहां से फोन कैसे कर सकते थे? मुकेश साहब ने ही फोन किया, मुकेश साहब ने ही चोरी की, इस बात का क्या सबूत है? जबकि कपिल ने सब किया है, उसका सबूत है सबके सामने। योर ऑनर, सर्वप्रथम तो अभियोग पक्ष ने ऐसा कोई साक्षी या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है अदालत में जिससे ये प्रमाणित हो कि ये हत्याएं मेरे मुवक्किल ने की है। द्वितीय, इनके पास कोई साक्षी नहीं जिससे ये प्रमाणित हो कि मेरे मुवक्किल घटनास्थल पर उपस्थित थे। हुजूर, जनाब पाठक साहब ही थे उस शख्स को पेश करने वाले, उस पार्सल वाले शख्स को। कहाँ है वो पार्सल वाला शख्स जो कपिल को पार्सल दिया करता था? मिस्टर पाठक, मुझे उम्मीद थी कि इस सुनवाई में आप पार्सल देने वाले उस इंसान को पेश करेंगे। खैर, मिस्टर मुकेश पर आपके लगाए हुए इल्जाम बेबुनियाद तो नहीं है, पर आपके पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाह भी तो नहीं है? ऐसे हालात में यह अदालत आपकी बात नहीं मान सकती है। योर ऑनर, खोज कार्य चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस केस की अगली तारीख तक मैं ठोस साक्ष्य साक्षी और असल अपराधी को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। यह अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न। कृष को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ छुपा रहा है, तो इसका पीछा कर पता कर कहानी क्या है। कि खुला कैसे रहेगा?
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.